ठीक, तो कल हम लोगों ने क्या क्या काम किए? साइन वेव की चर्चा की हमने और उसका इक्वेशन हमने लिखा। और इसमें ये जो ए है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, इस के को कहते हैं वेव नंबर और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। और इनके हमने इनसे रिलेटेड पैरामीटर्स लिखे। एक हमने लिखा वेवलेंथ, जो कि क्या लिखा था, 2π/k। हाँ, 2π/k, ये है वेवलेंथ। इसके बाद हमने लिखा टाइम पीरियड, यह है टाइम पीरियड। ठीक, वेवलेंथ किसको कहा? किस चीज को कहा? किस जो वेव है हमारी उसमें वेवलेंथ हमने कहा। हमारी छड़ी किधर गई? हाँ, किसी एक टाइम के ऊपर। तो हमने टाइम फिक्स कर दिया, एट ए फिक्स टाइम, जिन दो पार्टिकल्स के बीच में सेम फेज का मोशन है, मोशन रिपीट हो रहा है। जो इस पार्टिकल का है वही दूसरे किस पार्टिकल का है? इसका, है ना? ये जहां पर है, जितने इसका जो वाई है और इसका जो वाई है वो बराबर है। इस वाले की जो वेलोसिटी होगी, अभी मैं चला दूं तो ये जितनी वेलोसिटी से चलेगा और ये जितनी वेलोसिटी से चलेगा वो, और फिर उसका जो डायरेक्शन है, यानी जितने जितने डिस्टेंस पर ये मोशन रिपीट होता हुआ दिखता है अपने को किसी खास टाइम पे, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक पार्टिकल को देखो, टाइम गुजरने दो, और ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम से मिनिमम जाके फिर से मैक्सिमम पर आए, उतना देर एक टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, या कहीं से भी अभी इस समय यहां है, फिर दोबारा जब यहां पर आए और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता हुआ है, उस वो जो टाइम इंटरवल है उसको कहते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। और दूसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी, है ना? फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी यानी 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जितना सेकेंड, अगर उसको आप 1/टाइम पीरियड कर दोगे तो उतने सेकेंड इनवर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फिजिकल मीनिंग इसका ये होगा कि एक सेकेंड में इसने कितने बार पूरे टाइम पीरियड कंप्लीट किए, कितनी बार इसने मोशन को रिपीट किया, मैक्सिमम से मिनिमम जाके फिर से मैक्सिमम आना, ये हुआ एक ऑसिलेशंस। तो कितने ऑसिलेशंस पूरे किए उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन ऐसा हिंदी में बोलेंगे कितने ऑसिलेशंस पूरे किए, तो वो पूर्णांक होना चाहिए, 20 ऑसिलेशन किए या 21 ऑसिलेशन किए या 28 ऑसिलेशंस किए या 2 ऑसिलेशंस किए। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अगर जैसा टाइम पीरियड मान लो 5 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में 5 सेकेंड लगेगा, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन किए? तो उसको हम लोग कहते हैं 1/5 ऑसिलेशंस किए, है
हालांकि बहुत उसका सीधा मतलब नहीं निकलेगा कितने ऑसिलेशंस के, एक तो कम से कम पूरा होने दो, तब तो गिनना शुरू करें, 1 2 3 4। लेकिन आप ऐसे सोचो कि यस 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस किए उससे ये संबंधित है, लेकिन 1 बाई टाइम जितना आ जाए, 1 बाई टाइम पीरियड जितना आ जाए उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किस में नापेंगे, किस इकाई में? सेकेंड इनवर्स होगा, 1 बाई टाइम है ना, टाइम पीरियड तो टाइम में नापेंगे, तो 1 बाई सेकेंड इनवर्स होगा, इसको हम लोग हर्ज बोल रहे हैं। तो इसकी जो इकाई बनेगी फ्रीक्वेंसी की, जो कि सेकेंड इनवर्स है, उसी को हम लोग कहते हैं हर्ज। छोटे से लिखोगे कि बड़े से? छोटे एच से लिखोगे कि बड़े एच से? छोटे एच से। हालांकि ये भी नाम है किसी का, किसी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पर जो काम करते रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब हम यूनिट के रूप में लिखते हैं तो छोटे से लिखते हैं, और संक्षेप में लिखना होता है तो कैपिटल एच छोटा जेड ऐसा लिखते हैं, राइट। अब आप ये देखो कि जो हमने यहां ओमेगा लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो लिखा है के इंटू वी के लिए, याद है ना? हमने के निकाल के एक्स माइनस वी टी किया था, फिर ब्रैकेट खोला था, तो के इंटू वी के लिए हमने ये ओमेगा लिखा है। तो अगर आप ओमेगा की जगह ये रख लो, यहां से ओमेगा की जगह 2π/T रख लो, और के की जगह पे 2π/λ रख लो, और वी बना लो, तो आप पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा इक्वल टू वी इंटू टी। लैम्डा इक्वल टू वी इंटू टी, दोनों तरफ ठीक है डायमेंशन, इकाइयां ठीक है। लैम्डा किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, लंबाई है। लैम्डा यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस जब वो मोशन रिपीट कर रहा है। हाँ, जो पार्टिकल इसका मोशन रिपीट कर रहा है तुरंत बाद वाला जो भी पार्टिकल, उसके बीच का डिस्टेंस है वेवलेंथ, तो ये लेंथ है। वी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की या वेव की? वेव की वेलोसिटी है, और मीटर पर सेकेंड में, और ये टाइम सेकेंड में, तो गुना होकर के मीटर ये भी बन गया, मीटर ये भी बन गया, सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी बराबर लैम्डा बाई टी, ऐसा लिख सकते हो, वी बराबर लैम्डा बाई टी, ठीक है। और आप इसको इस 1/T को न्यू भी लिख सकते हो, तो वी बराबर न्यू लैम्डा, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों जो है वो एक ही इक्वेशन, अलग नहीं है, इसी को किसी को इधर लिख दिया, किसी को उधर लिख दिया, तो ये सब इक्वेशन बन गए, तो जब जिसकी जरूरत हो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी बराबर लैम्डा बाई टी का जरा यहां से देखना, इसका क्या मतलब हुआ कि वेव टी टाइम, या यहां से देख लो, वेव टी टाइम में कितना दूरी चली? लैम्डा दूरी चली, और टी टाइम, ये टी क्या है? ये पार्टिकल के चलने का टाइम पीरियड है। तो जितने देर में पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है, ये पार्टिकल अगर टॉप पर है, वहां से फिर बॉटम पे जाएगा और फिर टॉप पे आएगा, उतनी देर में जो वेव चल रही है वो लैम्डा दूरी आगे खिसकेगी, ठीक है ना? जितनी देर में ये यहां से जाकर के यहां आएगा, ये जो वेव आगे बढ़ रही है वो लैम्डा दूरी आगे बढ़ेगी, ये जो आपको ये दिख रहा है ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। वेव एक टाइम पीरियड में लैम्डा दूरी आगे बढ़ेगी, एक टाइम पीरियड में हर एक पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, राइट। तो ये रिश्ता है इनका। अच्छा ये बताओ कि हमने यहां एक्स लिखा है, हमने यहां टी लिखा है, हम कहते हैं टी बराबर 0, टी बराबर 1 सेकेंड, टी बराबर आधा सेकेंड,
या एक्स बराबर जीरो, उसके बाद एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, कहते हैं ना। तो ये एक्स बराबर जीरो हम कैसे चूज करते हैं कि कौन से वाले पार्टिकल को हम एक्स बराबर जीरो कहेंगे? अब ये देखो, ये सारी ये वेव चल रही है ना, ये वेव चल रही है। अब इसमें मैं एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ मैं? इस पार्टिकल को बोलूँ एक्स बराबर जीरो, या इस पार्टिकल को बोलूँ, या इस पार्टिकल को बोलूँ, या किस पार्टिकल को बोलूँ एक्स? यहाँ नहीं, ये तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में मेरा एक्स है और इस डायरेक्शन में मेरा वाई है, तो हमें कहना है कि ये वाला जो पार्टिकल है लाल वाला, ये मेरा एक्स बराबर जीरो का पार्टिकल है, या ये पार्टिकल जो है जो इस समय यहाँ पर है वो एक्स बराबर जीरो का पार्टिकल है, या ये पार्टिकल जो है यहाँ। तो किसी को हम कोई एक पार्टिकल को चूज करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर हमें एक्स बराबर जीरो खुद से चूज करना पड़ेगा, और वो खुद से चूज करने का कोई रूल नहीं है, जो सुविधाजनक लगे वो चूज कर लो, और जब कोई रूल नहीं है जो सुविधाजनक लगे वो चूज कर लो, तो आप दूसरा चूज कर सकते हो, आप दूसरा चूज कर सकते हो, मैं तीसरा चूज कर सकता हूं। इसी तरह टी बराबर जीरो, कौन से टाइम को मैं टी बराबर जीरो बोलूं, क्योंकि समय तो उसका तो टी बराबर जीरो तो ब्रह्मा जी ने बहुत पहले बनाया था, उसको तो करोड़ों साल बीत गए। मेरे को अपना टी बराबर जीरो चूज करना है इस प्रॉब्लम के लिए, तो किसी क्षण को मैं कहूं कि ये यहां से मेरा काउंटिंग शुरू होगा, ये मेरा टी इक्वल टू जीरो है, वो भी अपने ही अनुसार चूज करना है। तो वो भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से चूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ऐसा चूज किया कि भाई x बराबर जीरो वाला जो पार्टिकल है वो जिस समय अपने मीन पोजीशन पे रहे और ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसको हम कहेंगे t बराबर जीरो, कह सकते हैं। या कहें कि नहीं, जब वो अपने टॉप पर रहे उसको बोलेंगे t बराबर जीरो, हालांकि वो बार बार टॉप पर आएगा, लेकिन कोई एक बार जब वो टॉप पर आया उस समय हम t बराबर जीरो बोलेंगे, या बॉटम पे आया उस समय हम t बराबर जीरो बोलेंगे, राइट? तो जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो देखो हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ चूज कर चुके होते हैं। जब हम कहते हैं y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप उस पार्टिकल को देखना, पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम t बराबर जीरो भी ले ले, पार्टिकल एट t एक्स इक्वल टू जीरो, इस पार्टिकल को मैं देख रहा हूं एट टाइम t इक्वल टू जीरो, तो y बराबर कितना होगा इसका, जीरो हो जाएगा, x भी जीरो, t भी जीरो, तो ये जीरो, जीरो का साइन भी जीरो होता है, तो y बराबर जीरो। तो मतलब मैंने ऐसा t इक्वल टू चूज किया था ताकि मेरा ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है x बराबर जीरो वाला जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन पर है, इस समय ऊपर नहीं चढ़ा हुआ है या नीचे नहीं उतरा हुआ है, अपनी मीन पोजीशन पर है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन पर दो दो तरह से हो सकता है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसकी हम वेलोसिटी निकालते हैं, जब y बराबर इतना है तो पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव की नहीं, इस पार्टिकल के जिसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है, कैसे निकाला था बोलो, डिफरेंशिएट किया था टाइम की अपेक्षा, क्या निकला था, a cos kx माइनस ओमेगा t और इंटू माइनस ओमेगा, ऐसा। तो आप वेलोसिटी देखो इस पार्टिकल की, x बराबर जीरो है, t बराबर जीरो है, ये जीरो हो गया, cos जीरो कितना होता है, वन, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है का मतलब है कि ये नीचे जा रहा है, y डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमने t बराबर जीरो ऐसा चूज किया है कि वो जो पार्टिकल है इज एट मीन पोजीशन
एंड गोइंग डाउन, है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये वाला टी इक्वल टू जीरो मुझे पसंद नहीं है, पार्टिकल जिस समय टॉप पे रहेगा उस समय हम टी इक्वल टू जीरो बोलेंगे, जैसे अभी इस फिगर में है, हैं? ये जो पार्टिकल है वो टॉप पर है, टॉप ही पे मान लो उसको, अगर नहीं भी थोड़ा सा इधर उधर है तो। इसको कोई कहे ये मेरा टी इक्वल टू जीरो होगा, जिस समय पार्टिकल का वाई बराबर कितना होना चाहिए कैपिटल ए, और उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए जीरो, जब टॉप पे रहेगा तो जीरो वेलोसिटी होगी, उसको हम टी इक्वल टू जीरो कहेंगे। तब ये इक्वेशन नहीं चलेगा, तब ये इक्वेशन नहीं चलेगा, तब कौन सा इक्वेशन चलेगा? तब देखो कौन सा इक्वेशन चलेगा वो हम बताते हैं आपको। तब चलेगा वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो जरा, अगर x बराबर जीरो के साथ t बराबर जीरो रख दे तो y क्या बनेगा बताओ? a साइन पाई बाई टू, ए हो जाएगा। गुड, एक खोज रहे थे ना। और वेलोसिटी को देखो, इसका वेलोसिटी लिखो, पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंशिएट करना उसी तरह से, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी का क्या हुआ? जीरो हो गई, ये दोनों जीरो, कॉस पाई बाय टू, कॉस 90 डिग्री जीरो, ये चाहिए था। तो अगर किसी ने चूज किया कि मेरा टी इक्वल टू जीरो तब होगा जब ये पार्टिकल ऊपर में रहेगा, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। किसी ने बोला कि मेरा टी इक्वल टू जीरो तब होगा जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे तो रहे लेकिन ऊपर की तरफ चलता हुआ रहे, नीचे की तरफ चलता हुआ नहीं चाहिए अपने को, मीन पोजीशन पे रहेगा तो एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे जाएगा फिर एक बार ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे जाएगा, है ना। तो y बराबर जीरो रहे लेकिन वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो नीचे नहीं हो, ऐसा लिखने पर वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ आई थी, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको करने पड़ेगा y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई, ये करना पड़ेगा। अब आप देखो x बराबर जीरो रखो t बराबर जीरो रखो तो y बराबर क्या निकला? साइन पाई, 180 डिग्री का साइन कितना होता है? जीरो होता है। 180 डिग्री का साइन जीरो होता है, याद रखना। देखो कैसे याद करोगे वो भी बता देते हैं। ये है शुरुआत, यहां से तुम आगे बढ़ो, एंगल जितना कहा जाए उतना आगे बढ़ो, कहीं पे पहुंचोगे वहां से परपेंडिकुलर डालो, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। साइन निकालना है तो ये पी की लंबाई बटा ये एच की लंबाई, तो जब आप करते करते 90 डिग्री पे आ जाओगे और यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो इतना बड़ा पी हो जाएगा और वही हाइपोटेन्यूज भी हो जाएगा, तो साइन पाई बाई टू बराबर वन। जब आप और आगे बढ़ जाओगे इतना बड़ा एंगल होगा तुम्हारा, 120 डिग्री का साइन निकालना है तो 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहां पहुंचेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर है ये हाइट है, और आगे बढ़ो 170 डिग्री का बनाना है, यहां पहुंच गए परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये एच हुआ, 180 डिग्री पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए हम? 180 डिग्री का करना है साइन, 180 डिग्री निकालना है, तो यहां से चले 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 ये 90 पहुंचे, ये 180 डिग्री पहुंचे, एक लाइन खींचे यहां पहुंचे, वहां से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस के ऊपर, कितना लेंथ आया? जीरो लेंथ आया।
और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करना है, तो जीरो बटा हाइपोटेन्यूज करोगे तो जीरो आएगा, तो साइन ऑफ पाई इज जीरो। पाई से आगे अगर बढ़ गए, कोई 180 डिग्री से भी आगे बढ़ गए, बोले 200 डिग्री का साइन बताओ, तो 200 डिग्री का साइन बताने के लिए 200 डिग्री चलोगे तो यहां कहीं पहुंच जाओगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये परपेंडिकुलर है। अब ये नीचे आ गया तो नेगेटिव होगा, 200 डिग्री का साइन नेगेटिव होगा, 120 डिग्री का साइन पॉजिटिव था, 150 डिग्री का पॉजिटिव था, 170 डिग्री का पॉजिटिव था, 175 डिग्री का पॉजिटिव था, 180 डिग्री का जीरो हुआ, और फिर 180 से जब आगे बढ़े तो नेगेटिव हो गया, और अगर 270 डालना हो तो यहां पहुंच जाओगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो जो परपेंडिकुलर वही हाइपोटेन्यूज, तो -1। 270 से और आगे बढ़ गए तो फिर नेगेटिव ही रहेगा, ये सब नेगेटिव रहेगा, और अगर 360 पहुंच गए तो जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर का लेंथ फिर जीरो हो गया। तो साइन पाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो, और वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई। कॉस ऑफ पाई, कॉस कैसे लिखते हैं, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिखते हैं ना, ये है बेस, इसमें भाग लगाना है, परपेंडिकुलर डालने के बाद इसमें भाग लगाना है। 180 डिग्रीज अगर चले गए तो यहीं पहुंच गए, तो बेस देखो ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज भी यही हो गया, लेकिन इस तरफ वाला, ये दाहिने वाला पॉजिटिव, बाएं वाला नेगेटिव, तो ये -1 हुआ, कॉस ऑफ पाई बराबर -1। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दाहिने पॉजिटिव बाएं नेगेटिव, जब परपेंडिकुलर नाप रहे हैं, लंब को नाप रहे हैं तो ऊपर नीचे देखना, जब आधार को नाप रहे हैं तो दाएं बाएं देखना, क्योंकि आधार ऐसे ऐसे है ना और लंब ऐसे ऐसे है, तो दाहिने पॉजिटिव और बाएं नेगेटिव। 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो कॉस पॉजिटिव, और 90 से बड़ा हो गया तो कॉस नेगेटिव, तो ये -1 हो गया, और ये जब -1 हो गया तो ये हो गया प्लस ए ओमेगा। तो किसी ने अगर बोला कि मेरा टी इक्वल टू जीरो ऐसा है कि उस समय एक्स इक्वल टू जीरो वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है, यानी वाई बराबर जीरो, और ऊपर की तरफ चल रहा है, तो उसको यहां पे प्लस पाई लगाना पड़ेगा, अर्थात आप टी इक्वल टू जीरो कब किस क्षण को आप बोलते हो टी इक्वल टू जीरो, उसके अनुसार आपको यहां पर कोई एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ सकती है। आप जीरो लगा सकते हो तो आपने ऐसा वाला चूज किया है, आप पाई बाई टू लगा सकते हो तो आपने ऐसा वाला चूज किया है, आप पाई लगा सकते हो तो आपने ऐसा वाला चूज किया है। अगर आप इन सब के अलावा और कुछ यूज करो टी इक्वल टू जीरो, ये तो हमने तीन खास खास लिए ना, और भी कुछ ले सकते हो आप, नहीं भाई वो अपने मैक्सिमम के हाफ पे रहेगा उसको मैं टी इक्वल टू जीरो बोलूंगा, ऊपर की तरफ जा रहा हो और अपने मैक्सिमम के हाफ हो उस क्षण को मैं टी इक्वल टू जीरो बोलूंगा, बोलो। तो यहां और कुछ लगाओगे, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ जाएगा, राइट। तो हम लोग इन जनरल इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कोई एक कांस्टेंट यहां आप डाल सकते हैं, और वो जो कांस्टेंट आप डालोगे उसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। और ये फेज कांस्टेंट आप पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन हाउ एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो आर चोजन। कैसे एक्स बराबर जीरो और टी बराबर जीरो चुने गए हैं, किस वाले स्थान को आप एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहे हो उस लाइन पर,
और किस क्षण को आप टी इक्वल टू जीरो बोल रहे हो उसके अनुसार इस डेल्टा का मान फिक्स होगा। लेकिन आपने एक बार टी इक्वल टू जीरो फिक्स कर दिया, एक्स बराबर जीरो फिक्स कर दिया, ये डेल्टा फिक्स हो गया, फिर वो आगे वही रहेगा, वही डेल्टा चलेगा जब तक आप उसका सारा मोशन देख रहे हो। ठीक, तो अगर कोई खास जरूरत नहीं हो तो साधारणतः हम लोग ये डेल्टा बराबर जीरो ले लेते हैं, काहे को एक एक्स्ट्रा फैक्टर रखें, है ना। लेकिन अगर जरूरत है उस प्रकार की तो हम यहां पर कोई दूसरा कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। अगर पाई बाई टू जोड़ दिया किसी ने, डेल्टा की जगह पाई बाई टू ले लिया, एक स्थिति दिखाई थी अभी हमने, तो ये जो अगर वाई बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिया, ऐसा हमने टी इक्वल टू जीरो चूज किया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी है। तो ये मत सोचना कि साइन होगा तभी वो वेव बनेगी, कॉस होने से भी वेव बन सकती है, वही सेम वेव है, सेम वेव है, खाली टी इक्वल टू जीरो दूसरी जगह दूसरे क्षण को चूज कर लिया गया है। तो वही वेव आप साइन में भी लिख सकते हो, वही वेव आप कॉस में भी लिख सकते हो। तो कहीं कॉस में लिखा हुआ दिखे तो ये मत सोचना कि ये कुछ दूसरे किस्म की वेव है, ये सेम वेव है, टी इक्वल टू जीरो अलग जगह पे चूज किया हुआ है, राइट। ये जो पूरा एंगल है साइन के बगल में, ये जो पूरा एंगल है, ये इसको कई बार कहते हैं फेज एंगल या फेज केवल कहते हैं। समय बदल रहा है, ये एंगल बदल रहा है, तो हम कहते हैं फेज चेंज हो रहा है। तो साइन के आगे जो पूरा फुल एंगल है उसको हम लोग फेज कहते हैं, फेज का एंगल कहते हैं। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाए, ये देखा था, अब ये देखो, क्या फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है ना, वेव के डायरेक्शन का फर्क है। वेव इस बार राइट टू लेफ्ट जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, वेव गोइंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, क्या लिखें, y बराबर माइनस a साइन kx माइनस, ये तो वही लिखवा दिया तुमने जो हमने पाई लगा करके लिखा था। अगर आप यहां पे पाई लिख दो, किसी ने ऐसा t इक्वल टू जीरो चूज किया कि ये पाई हो गया, यहां पे साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई से उधर चले गए ना, तो अब नीचे जाएगा लंब, तो ये हो गया माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तो पहली वाली वेव हो गई, खाली टी इक्वल टू जीरो दूसरी जगह किसी ने चूज कर लिया, ये तो पहली वाली वेव हो गई, ये वाली वेव नहीं हुई, ये वेव नहीं हो, ये तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, वो तो पहली वाली तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, उसका इक्वेशन है ये के एक्स प्लस ओमेगा टी। हाँ, राइट। अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाती है तो आपको एक्स माइनस वी टी एक साथ आना चाहिए, लेकिन वेव अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही हो तो एक्स प्लस वी टी एक साथ आना चाहिए। ठीक, तो इसका इक्वेशन ऐसा नहीं लिखेंगे, इसके यहां प्लस लगाएंगे, और प्लस अगर आपको कहीं टी और कहीं लेना हो तो प्लस डेल्टा लगा सकते हो, प्लस पाई बाई टू लगाओ, प्लस पाई लगाओ, प्लस थ्री पाई बाई टू लगाओ, प्लस पाई बाई थ्री लगाओ, कुछ भी लगाओ आप डेल्टा एक यहां पे लगा सकते हो, बट दिस शुड बी प्लस, बाकी सब चीज वही रहेगी, के बराबर टू पाई बाई लैम्डा रहेगा, ओमेगा बराबर टू पाई बाई टी रहेगा, v बराबर न्यू लैम्डा रहेगा, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस चाहिए।
अब आप देखो, दिखाते हैं एक पल्स, ये साइन वेव है ना, ये लगातार चलता ही चला जा रहा है, और पल्स का मतलब एक बार आया और खत्म हो गया, रुक गया। तो आपको हमने पल्स पहले दिखाया था, और अब आप दोबारा देखिए, ये वही वीडियो है, आपका देखा हुआ है लेकिन थोड़ा आगे तक है। ये देखो, ये वाला पार्ट पहले नहीं दिखाया था, क्या हो रहा है? हाथ यही हिला रहे हैं या वो भी हिला रहे हैं? वो भी हिला रहे हैं। देखना, फिर से देखना ठीक से, उनको देखना, वो जो लेफ्ट में है बैठे हुए उनको देखना। वो बिल्कुल नहीं हिला रहे ना। हाँ, जो इधर से इधर वेव जा रही है वो तो इन्होंने भेजी, अपना हाथ ऐसे झटका मारा, लेकिन जो उधर से इधर आ रही है वो उन्होंने तो नहीं भेजी, वो तो अपना बैठे रहे पकड़ करके, फिर उधर से इधर कैसे आ गई? वेव जब चलती है और मीडियम कहीं अगर खत्म हो रहा है, मीडियम कहीं फिक्स किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, राइट? तो ऐसा अगर फिक्स्ड एंड है, मीडियम का अगर फिक्स्ड एंड है, उसको क्लैंप किया हुआ है, तो उस फिक्स्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है। जिस तरह आप बॉल फेंकिए दीवार के ऊपर और दीवार से वो रिफ्लेक्ट होती है, तो वेव भी रिफ्लेक्ट होती है। मटेरियल नहीं, मटेरियल जाके टक्कर नहीं मार रहा है वहां, लेकिन वेव जो है वो खुद रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिक्स्ड एंड पे अगर वेव जाती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होती है। तो प्लस एक्स डायरेक्शन में अगर जा रही थी और ये एंड इसका पकड़ा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो वो वहां जाने के बाद वापस लौटेगी। अच्छा, ये वापस लौटती हुई और जो जा रही थी, उसमें दोनों का कंपैरिजन करना, कुछ उसमें भी फर्क महसूस हो रहा है क्या? हाँ, तो शुरुआत में जब यहां से जा रही है वेव, तो उसकी क्या क्या ज्यादा थी? वाई, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा था, अभी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो गया है। हाँ ठीक, और हाँ हाँ बोलो, स्पीड भी ज्यादा थी। अच्छा ठीक है, देखें एक बार स्पीड को, देखें फिर से, देखना ध्यान देना, पूरा समय देखना, अंदाजा करना, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा और यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा। कम ज्यादा दिखता है या लगभग एक सा दिखता है? हाँ, सेम दिखता है ना, स्पीड सेम है। स्पीड डिपेंड करती है टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। ये उतने ही दूर पकड़ करके रखा हुआ है, उतना ही खींच करके रखा हुआ है, टेंशन सेम है और मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है, क्योंकि वो कितने रिंग्स कितनी लंबाई में है वो वही है। तो वेव इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, उसकी स्पीड सेम है, एम्पलीट्यूड कम है। पल्स का एम्पलीट्यूड जाते समय अधिक था, आते समय कम। और क्या? राइट, जब जा रहे थे तो क्रस्ट जो था वो अधिक ऊंचा था, इस बार जो वापस लौट रहे हैं तो कम है। इसको कहते हैं डैम्पिंग। जब वेव आगे चलती है तो वो डैम्प होती है, यानी वो कमजोर होती जाती है ना? और कमजोर कई कारणों से होती है, वो हवा में कुछ उसकी ऊर्जा चली जाती है, जब चलती है तो हवा को भी अपने हिलाते चलती है, आसपास की हवा को हिलाएगी ना, जब चलेगा तो ऐसा ऊपर होगा ऐसा नीचा होगा, तो हाथ तो हवा को भी उसको गति प्रदान करना है, तो अपनी गति कम होगी उसकी हवा को गति देने के चक्कर में, तो कई कारणों से वो कम होता जाता है। तो केवल रिफ्लेक्शन, जहां जब फिक्स्ड एंड पे जहां रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर भी कुछ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकता है, तो उस सब कारण से वो डैम्पिंग होती है। दूसरी चीज आप क्या देख रहे हुए हैं कि जाते समय में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, लौटते समय में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना? उल्टा है ना, है उल्टा। जाते समय अगर y प्लस
प्लस वाई डायरेक्शन में था तो आते समय में, तो हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड एंड से अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के समय उसमें पाई का फेज चेंज हो जाता है सडनली। आप याद देखा था ना, प्लस पाई अगर कर दें तो एक माइनस आ जाता है सामने, वाई की जगह माइनस वाई हो जाता है, जितना पहले है उसका माइनस हो जाता है अगर प्लस पाई कर दें तो। रिफ्लेक्शन के समय अचानक सडनली फेज पाई से बदल जाता है, तो प्लस वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट माइनस वाई की तरफ डिस्प्लेसमेंट में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने माइनस एक्स डायरेक्शन में जाती हुई वेव देखी, आपने प्लस एक्स डायरेक्शन में जाती हुई वेव देखी। अब हम लोग साइन वेव की चर्चा करेंगे। अगर एक ही मीडियम में, एक ही मटेरियल में एक साथ प्लस डायरेक्शन में भी वेव जा रही हो और माइनस डायरेक्शन में भी वेव जा रही हो, एक साथ कोई प्लस की तरफ से भी भेज रहा है, कोई माइनस की तरफ से भी भेज रहा है, इधर से उधर भी वेव जा रही है, उधर से इधर भी वेव जा रही है, वही मीडियम है, वही वेलोसिटी है, वही वेवलेंथ है, वही फ्रीक्वेंसी है, केवल डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन का दोनों अलग अलग है और एक साथ है, उसका क्या होगा, उसको पहले इक्वेशन में देखते हैं। टू वेव्स ऑन द सेम मटेरियल या मीडियम, और अभी हम सारी बात जो कर रहे हैं वो एक लंबाई वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन। अभी हम पानी के सरफेस जैसे मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, रस्सी जैसे मीडियम की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग जैसे मीडियम की बात कर रहे हैं जिसमें लंबाई 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 है। तो दो वेव उसमें चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, वेवलेंथ बराबर है, तो दो वेव जो है उसमें से एक वेव है, लिखेंगे हम ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा वेव हम लिखेंगे सेम एम्पलीट्यूड साइन सेम के एक्स प्लस सेम ओमेगा। के वही रहेगा, ओमेगा वही रहेगा, ए वही रहेगा, लेकिन यहां माइनस तो यहां प्लस। ये वाली किधर चल रही है, प्लस एक्स में या माइनस एक्स में, और ये वाली, हाँ, और एक साथ दोनों है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, तो जो वाई है वो हो जाएगा ए यानी वाई वन प्लस वाई टू, अर्थात ए कॉमन ले लें, साइन को भी कॉमन ले लें, ले ले नहीं ले, इन दोनों में से साइन को कॉमन ले ले बाहर, हाँ इन दोनों में से साइन को कॉमन ले ले बाहर, और फिर ये लिख दे और उसके बाद ये लिख दे, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन को कॉमन बाहर ले ले, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। साइन ए प्लस साइन बी ये बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नहीं होता है, इसमें से साइन कॉमन नहीं ले सकते हो। हाँ, साइन ए प्लस बी को अगर खोलना होगा तो साइन ए प्लस साइन बी नहीं बनेगा, हाँ, ऐसा नहीं कि साइन ए प्लस साइन बी खोल दो और इसी तरह यहां कॉमन ले लो, ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना, राइट। तो अच्छा, ये क्या होता है याद है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है याद है, बराबर टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है भाई। नहीं, दिनकर को पसंद नहीं है, क्या होता है बोलो। अच्छा, यहां पे साइन चाहिए,
अब ठीक है। नहीं देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। सूरज को यह भी पसंद नहीं है। पहले वाला ठीक था, पहले वाला भी ठीक नहीं था, यह भी ठीक नहीं है, तो क्या ठीक है बताओ? 2 प्लस साइन। अच्छा, तो यहां तुम चाहते हो कि मैं साइन करूं और यहां तुम चाहते हो कि मैं कॉस करूं, ऐसा? नहीं, ये भी नहीं। ये सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ओके, तो ए, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, तो साइन ए प्लस साइन बी टाइप है ना ये, ठीक है? तो इसको इस अनुसार खोलेंगे हम लोग, तो ये बराबर हो गया ए टू साइन, क्या करना है? जोड़ के आधा करना है, तो इसको इसको जोड़ के आधा करो, कितना हुआ? के एक्स। तो यानी के एक्स हो गया। कॉस घटा के आधा करना है, इसमें से इसको घटाओ, माइनस ओमेगा टी, राइट? अब को ये माइनस को जरा बचाना है, देखें क्या करते हैं। देखो, थीटा इधर लोगे तो माइनस थीटा इधर लेना पड़ेगा, है ना? ये अगर थीटा है तो इधर जाओगे तो माइनस थीटा, यहां पर परपेंडिकुलर डालो, यहां पर परपेंडिकुलर डालो। इसका कॉस लेंगे तो इसमें भाग लगे, ये बेस है, और इसका कॉस लेंगे तो भी यही बेस है, तो दोनों बराबर है। कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन साइन एक जैसा नहीं है। साइन में माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि यहां लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर आएगा, यहां लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर आएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो साइन बदल जाएंगे। लेकिन जो बेस लेंगे, आधार लेंगे, इसमें भी दाहिने और इसमें भी दाहिने, तो वो एक ही है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, कॉस ओमेगा टी लिख लो केवल। अब देखो, आप देख रहे हो 2a sin kx कॉस ओमेगा टी, ये एक्स माइनस बी टी एक साथ नहीं है, है क्या? एक्स प्लस बी टी एक साथ नहीं है, ये ना एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव है ना ये वाई डायरेक्शन में जाने वाली वेव है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों है, एक हिस्सा मैं दोनों का जोड़ के है ना, ये बाएं से दाएं जाने वाली प्लस दाहिने से बाएं जाने वाली जोड़ करके है ये, और जो अंतिम वेव बनी जोड़ करके, वो ना एक्स डायरेक्शन में जा रही है और ना माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना? और भी देखो कई सारे मजे मजे की बात है। मान लो आप ओरिजिन वाले पार्टिकल को देखते हो, हमारा ये जो वेव है वो है 2a sin kx cos ओमेगा टी। उस पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल एट x=0, x=0 रख दो, क्या हुआ? y=0 हो गया, बिना टाइम का वैल्यू रखे हुए। पार्टिकल एक्स एट x=0, y=0 फॉर ऑल टी, ये महत्वपूर्ण बात है, मतलब समय बदल रहा है और ये पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है, वेव आ रही है, इधर वाली भी आ रही है, उधर वाली भी आ रही है, और ये पार्टिकल हिल ही नहीं रहा है, इसका वाई हमेशा 0 पड़ा हुआ है, पकड़ के रखा है क्या? पकड़ के रखना जरूरी नहीं है, पकड़ भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं। अगर ये दोनों वेव्स उस पर चल रही हैं, अलग अलग दोनों वेव देखी थी ना हमने, पूरी चल रही है यहां से वहां, और x=0 तो हम अपनी अपने अनुसार चूज कर सकते थे ना, और t=0 हमने एक खास ढंग से चूज किया है ताकि हमें ये डेल्टा नहीं लिखना पड़ा, लेकिन वो दोनों मिलकर के ये हमेशा के लिए ये स्थिर हो गया। और देखो, पार्टिकल एट x=π/k
एक संख्या है, लेंथ इनवर्स है, वन बाई कर के करेंगे तो लेंथ हो जाएगा, उतने लेंथ पर पाई बाई के का जितना वैल्यू है, जितने सेंटीमीटर जितने मीटर, वहां पे जो पार्टिकल है उसको देखो, के एक्स बराबर कितना, के एक्स बराबर पाई, तो वाई बराबर कितना, साइन पाई कितना होता है, ये भी पार्टिकल कभी नहीं हिलेगा, फॉर ऑल टी ये अपनी जगह पे ही बना रहेगा। इसी तरह से x बराबर 2 पाई बाई के, इसका भी देख लो कि x बराबर 2 पाई, इसका भी y हमेशा जीरो बना रहेगा। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे उस लाइन के ऊपर जो अपनी जगह पे हमेशा स्थिर बने रहेंगे, लेकिन सभी पार्टिकल स्थिर नहीं है। यानी कि इधर की वेव उधर की वेव कैंसिल हो गई, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप जरा इस पार्टिकल की चिंता करिए जो x बराबर पाई बाई टू के पर है, पार्टिकल एट x इक्वल टू पाई बाई टू के। तो इस पार्टिकल के लिए के एक्स बराबर कितना हुआ, के एक्स बराबर पाई बाई टू हुआ, साइन के एक्स वन हुआ, वाई इक्वल टू टू ए, ये तो बढ़िया ऑसिलेट कर रहा है, टाइम बदल रहा है, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू वन से माइनस वन, माइनस वन से वन, फिर वन से माइनस वन, वन से माइनस होता रहेगा ना। टी अगर लगातार बढ़ता रहे, एंगल अगर लगातार बढ़ता रहे, जीरो से 90, 180, 270, 360 और आगे 450, लगातार बढ़ता ही रहे, तो बार बार कॉस थीटा जो है वो वन से माइनस वन, फिर माइनस वन से प्लस वन, फिर अर्थात इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा 2a, इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 2a, और वो 2a से और वो माइनस 2a तक ऑसिलेट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी पार्टिकल चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ पार्टिकल चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। और एम्पलीट्यूड कितना है इसका ऑसिलेशन का, 2a, कितनी दूर तक ऊपर जाता है 2a, कितनी दूर तक नीचे जाता है 2a। अब उस पार्टिकल को देखना, पार्टिकल एट x इक्वल टू पाई बाई सिक्स के, यहां पर भी कोई पार्टिकल होगा, उसको देखना कि x बराबर कितना पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, तो यानी 30 डिग्रीज, तो साइन के x बराबर 1 बाई टू, तो इसके लिए y बराबर क्या हुआ, a cos ओमेगा t, ये भी मजे से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन ये कहां तक जाता है ऊपर और नीचे है, तो यानी कोई कोई पार्टिकल 2a तक जाते हैं, 2a तक नीचे जाते हैं, कोई a तक जाता है, कोई जाता ही नहीं है। तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, और कहीं कहीं के पार्टिकल्स बिल्कुल ऑसिलेट करते ही नहीं है। हालांकि किसी ने उन पार्टिकल्स को पकड़ करके चिमटी से नहीं रखा हुआ है कि ऑसिलेट नहीं करने देना है, तो आपको हम एक उसका भी उदाहरण दिखाते हैं। ये देखो, ये जो है ये यहां पे एक यंत्र है जिसको हम लोग वाइब्रेटर कहते हैं, ये वाइब्रेट करता है, और इसमें कोई चीज जोड़ दो, बांध दो यहां पे, तो वो भी चीज वाइब्रेट करती है। तो इस वाइब्रेटर के इस डंडे से और एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक स्प्रिंग है, अभी दिखेगा आपको जब हम नज़दीक से दिखाएंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, और ये स्प्रिंग यहाँ पे फिर बांध दिया गया, तो एक एंड यहाँ बांध दिया, एक एंड यहाँ बांध दिया। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो इधर से ऐसा वेव भेजेगा, वो भैया हाथ से ऐसा वाइब्रेट कर रहे थे ना पल्स भेजने के लिए, तो ये जो है वो एक ही बार ऐसा पल्स नहीं भेजेगा, वो लगातार टक 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 वाइब्रेट करता रहेगा, तो लगातार ये साइन वेव की तरह यहां से भेजता रहेगा, और वो वेव यहां फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर इधर को आएगी,
और इधर से भी जा ही रही है, तो इधर भी वेव जा रही है और इधर भी वेव जा रही है, और दोनों एक साथ यहाँ इस स्प्रिंग पर रहेंगी। तो उसी तरह की सिचुएशन हो गई जैसे मैंने वहाँ दिखाया था। तो अगर मैं जो मैंने वहाँ सारा गणित किया है वो सब सही सही हो, तो इस स्प्रिंग पे कुछ ऐसी जगह होना चाहिए जहां के रिंग कहें कि मैं तो हिलूंगा ही नहीं, और कुछ ऐसे होने चाहिए जहां के रिंग्स काफी काफी हिल रहे होंगे, कुछ होंगे जो कम हिल रहे होंगे। तो आप देखो वैसा होता है क्या? अब अभी आप देखो कैसा दिख रहा है स्प्रिंग, अब दिखने लगा। अच्छा, अब आपको यहां का स्प्रिंग देखना, ये वाला कुछ बढ़िया दिख रहा है, काला काला शार्प डार्क दिख रहा है, और यहां पे सबसे ज्यादा हेजी है। अब क्या है, ये फोटो ले रहे हैं, वीडियो है ना, ये फोटो ले रहे हैं। तो फोटो जब लेते हैं और जिस समय फोटो ले रहे हैं जिसका, वो हिलता डुलता रहे तो कैसी फोटो आएगी? धुंधली आएगी। और वो अगर शांत खड़ा रहे तो साफ आएगी। तो ये जो आपको यहां शार्प शार्प दिख रहे हैं, काले काले दिख रहे हैं, डार्क डार्क दिख रहे हैं यहां पे, वो इसलिए डार्क डार्क दिख रहे हैं क्योंकि ये नहीं हिल रहे थे, इनकी फोटो अच्छी आई है। और ये जो है, ये बीच वाले, ये ज्यादा हिल रहे थे, तो इसलिए इनकी फोटो जो आई है वो खराब आई है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ एक्स का कुछ वैल्यूज के ऊपर वाई जीरो है, डिस्प्लेसमेंट ऑल टाइम वो वही रहेगा, आप देखते रहना, वो हमेशा वही रहेगा। अब आप देखो यहां वाले रिंग्स को देखो और यहां वाले रिंग्स को देखो, फर्क दिख रहा है? ये देखो यहां पे आपको शार्प दिखाई पड़ रहा है, यहां भी शार्प दिखाई पड़ रहा है, और यहां पे सबसे ज्यादा हेजी है। तो यहां वाले जो है उनका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा चल रहे हैं, और ये जो है इनका बिल्कुल जीरो एम्पलीट्यूड है, चल ही नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है ये वाई इक्वल टू जीरो वाले पोजिशन हैं। तो दो वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ चले तो उनके कारण से इस तरह की सिचुएशन बनती है कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर वो बिल्कुल शांत रहते हैं, और उसी के बीच बीच में जो है, दो शांत के बीच वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा वो उधम उधम कर रहा होगा, और जो बाकी होंगे वो लगातार धीरे धीरे कम कर रहे होंगे। और फिर इसको हम लोग नोड कहते हैं, जहां के पार्टिकल कभी नहीं हिलते हैं उसको हम लोग नोड कहते हैं, निस्पंद कहते हैं उसको। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे।